मेरा नाम शबाना महफूज है आई एम ए जर्नलिस्ट एंड एन एजुकेशनिस्ट पिछले दिनों एक खबर आई उसकी हेडलाइन जो है जब हमने पढ़ी तो उसमें लिखा था कि लाहौर में लाहौर के कोर्ट में केसेस फाइल हुए अबाउट 500, यानी कि के 500 सौ केसेस डाइवोस थे और जो है ये 10 दिन के अरसे में ये केसेस आए थे तो दिस इट्स सेल्फ वॉज एन अलार्मिंग हेडलाइन यानी कि जब हम इसका दौरानिया देखें अगर हम सिर्फ़ इस खबर को और इसकी थोड़ी सी तफसील में जाएं तो जो शॉकिंग इसमें बात थी कि बहुत ही थोड़ा अरसा था थोड़ा दौरानिया था दस दिन के अंदर पाँच सौ केसेस फ़ाइल हुए अब जाहिर है कि इस तरह के अगर वाक़ हो रहे हैं तो सवाल ऐसा उठता है कि ये क्यों हुआ या इतनी जो है क्या अलार्मिंग रेट से जो है वो इंक्रीज हुआ तो अगर हम इन्हीं केसेस के हवाले से थोड़ी सी तफसील देखें तो हम उस पर प्रूव करते हैं और उसी पर कोशिश करते हैं कि क्या हमें पता चलता है आ, नंबर एक जैसे कि मैंने बताया कि 10 दिन का वक्फ़ा था 500 केसेस फाइल हुए फिर उसमें यह है कि ज़्यादातर केसेस औरतों की तरफ से ही फाइल हुए थे यानी कि खुला के लिए अप्लाई किया था और दूसरी बात जब वो तफसी उन्होंने अपनी वकील के साथ शेयर की जाहिर है कि उन्होंने मतलब जो है उसका वजह बतानी चाहिए तो ज़्यादातर केसेस ऐसे थे जिसमें बताया गया कि पसंद की शादी थी और ज़्यादातर केसेस ऐसे थे जिसमें खुवा ने उन जो एप्लीकेंट्स थीं उन्होंने शिकायत की कि उनके जो शौहर थे वो बेरोज़गार थे और जब वो ख़र्चा मांगती थी तो उनसे जो है वो गालम गलोच मारपीट और यू नो डोमेस्टिक अब्यूज़ और वायलेंस के जो है उन्होंने केसेस बयान किए अब इन फैक्टर्स को हम देखते हैं लेकिन सबसे पहली बात अगर हम शुरू करें इवन इफ यू नॉट लुक एट द फिगर कि ये इतने ज्यादा 500 सौ केसेज हैं अमूमन अनफॉर्चुनेटली हमारे माशरे में इस तरह की खबर पे एक इमीजिएट रिएक्शन क्या होता है कि अगर हम किसी से भी शेयर करें तो अफसोस के साथ ज्यादातर रिएक्शन इसी तरह के आते हैं कि आज की नई नस्ल खराब हो गई है किसी का लिहाज नहीं बड़ों का लिहाज नहीं अपने जो है तहजीब की कोई फिक्र नहीं है माँ बाप की कोई परवाह नहीं है और औरतें जो हैं वो तो वैसे ही अब इतना अपने हुकूमक मांगते मांगते वही औरतें ही घर बनाती हैं घर बसाती हैं वगैरह वगैरह लेकिन औरतें अपना जो है किरदार वो पूरा नहीं कर रही हैं और जिसकी वजह से हमें यह नतीजा देखना पड़ रहा है मतलब ये कि इस तरह के जो डोमेस्टिक रिलेटेड इशूज़ होते हैं ख़ासतौर तो पर अगर तलाक तक बात पहुँच जाए तो उसमें आज भी इल्ज़ाम जो है वो पहले औरतों पर ही आयद होता है कि शायद ये औरतों की तरफ से किसी किस्म की कोई आ, गलती थी बर्दाश्त की कमी थी और या कोई ऐसी बात थी कि जो है इस पॉइंट तक आया बहरहाल जो पॉइंट्स यहाँ रेस किए गए जिस तरह मैंने कहा कि औरतों ने जो शिकायत दर्ज की उसको अगर हम देखें उसमें सबसे पहली जो बात आई कि वो पसंद की शादी थी और साथ में ये भी औरतों ने कहा कि उन्होंने अपना डिसीजन रिग्रेट किया एक तो अगर हम अपने माशरे में देखें दोबारा बदकिस्मती से पसंद से शादी करना जो है जो कि एक नॉन इशू है उसको इशू अभी तक बनाया जाता है अगर हम कानून में देखें या मजहबी तौर पे देखें किसी भी मज़हब के हिसाब से तो एक बालग मर्द और, और औरत को इजाज़त है कि वो अपनी मर्ज़ी से ये फ़ैसला कर सकता है या कर सकती है क्योंकि ज़िंदगी का एक बहुत बड़ा फैसला है लेकिन आजकल भी हमारे माशरे में पसंद की शादी को जो है वो अच्छे नज़रिए से नहीं देखा जाता ऑल दो अवेयरनेस भी हो रही हो रही है बहुत से पेरेंट्स सपोर्ट भी करते हैं लेकिन अगर हम लार्जली स्पीकिंग यानी कि हम ज़्यादा जो है वो बड़े दायरे में देखें तो उसको इतनी अच्छी नज़र से नहीं देखा जाता तो वहाँ पे फिर ये मसला खड़ा होता है कि जो है खासतौर तो पे लड़कियों के लिए कि अगर उन्होंने लड़ झगड़ के माँ बाप की नाराजगी से जो है वो शादी की और वो शादी करके उन्होंने अपना घर बसा लिया अब अगर वो शादी नहीं चल सकी और जो है यहाँ तक बात पहुंची तो फिर इसके लड़कियों को या लड़कों को भी शायद ये मसला पेश आता है कि उनके ख़ानदान वाले उनको सपोर्ट नहीं करते वो पहले से उन्होंने कत ताल्लुक़ जो है वो किया हुआ होता है अगर वो पसंद से भी नहीं भी हो माँ बाप की पसंद से भी शादी हो अगेन हम वहाँ पे थोड़े से एक और दूसरी ख्याल का जो है हमें देखना पड़ता है कि आज भी लड़कियों को औरतों को ये सिखाया जाता है कि अब शादी करके जा रही हो घर तुमने बसाना है हमारे घर मसले लेके मत आना माँ बाप के पास मत आना शौहर ऊंची आवाज़ में बात कर ले तो बर्दाश्त कर लेना तुम्हारा शौहर है मर्द है इस तरह के हम रवैये देखते हैं जिसकी वजह से अब जो दूसरा पॉइंट था डोमेस्टिक वायलेंस या अब्यूज़ का बल्कि वो हम उसको बाद में देखते हैं वो क्यों आया था क्योंकि औरतों ने कंप्लेन की थी कि जो है अगर हम ख़र्चा मांगते हैं तो उस पर फिर शौहर रिएक्ट करते हैं बेरोज़गारी तो वैसे हमारे मीषत में हमारे मुल्क का एक बड़ा मसला है और उसमें दो जो है अगेन सिचुएशन हो सकती हैं कि जनविनली एक मर्द एक शोहर जो है वो नौकरी तलाश करने के लिए निकल रहा है उसको नौकरी नहीं मिल रही उसका कारोबार नहीं चल रहा वो परेशानी में है लेकिन बहरहाल औरत को तो घर चलाना है उसकी बीवी ने घर का ख़र्चा उठाना है तो वो अपने शोहर से मांगेगी इससे रिलेटेड जो जिस कोई ऐसी मायूब या नहीं या कोई काबिल एतराज़ बात नहीं है अगर हम इससे रिलेटेड देखें तो हाल ही में एक और कोई केस था जिसमें अदलिया का ये फैसला था के जो है कानून में ये जवाब मौजूद है कि बीवी कानून उसके पास ये हक हाँ है कि वो अपने शोहर से खर्चा अपने ज़ाती खर्च के लिए भी मांग सकती है क्योंकि वो उसको लॉ में प्रोवाइड है तो ये ऐसी कोई बात नहीं है लेकिन जो वो सारा गुस्सा गुबार फ्रस्ट्रेशन है वो और अपनी बीवी पे उतार देता है क्योंकि वो उनको जॉब नहीं मिल रही उनके पास पैसे नहीं है बात मारपीट पर उतर जाती है बहुत सी दफ़ा ऐसे भी केसेस होते हैं हमें सुनने में आते हैं और ये हम लोगों को पता है अपने इर्द गिर्द के बाद दफ़ा शोहर चाहते हुए काम चोरी करते हुए कोई काम नहीं करते और ख़ास तौर पे अगर औरतें कमा रही हैं तो वो घर पे बैठे हुए होते हैं और अगर औरतें फिर डिमांड करती हैं कि कुछ काम तुम भी कर लो कुछ कमा के लो तो उस पर फिर अगेन वही उसी किस्म का रिएक्शन होता है उसके घर वाले उसका साथ देते हैं और इस तरह की बात होती है एक सिर्फ यहाँ पे ये पॉइंट रेज हो सकता है क्योंकि हमेशा जो है जब इस तरह की बात की जाती है तो एतराज़ ये होता है कि जो फेमिनिस्ट हैं या जो औरतों की जो है हुकूक की बात करते हैं लोग तो वो सिर्फ औरतों के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं तो चलें हम ये कह सकते हैं कि जो है औरतें अगर इसमें ये किरदार ज़रूर अदा कर सकती हैं कि अगर शहर को नौकरी नहीं मिल रही या अगर वो शहर ख़ुद से नौकरी नहीं कर रहा तो फिर तो जाहिर है कि वहाँ पर वो जिम्मेदार है अगर शहर को नौकरी नहीं मिल रही और वो वाकई उसके हाथ बंधे हुए हैं तो फिर औरतों को भी साथ में मिलके जो है जॉब्स तलाश करनी चाहिए और ऐसी आजकल बहुत सी औरतें कर रही हैं अब उसके बाद फिर जो डोमेस्टिक वायलेंस का आया अगर जेनविनली शोहर परेशान भी है तो उसका मतलब ये नहीं है कि वो मारपीट और गालम गलोच पे उतर है जैसे मैंने बताया कि अध्याय का फैसला था कि जो है औरत को हक है कि वो अपने लिए खर्चे की डिमांड कर सकती है उस तरह कानून डोमेस्टिक वायलेंस और अब्यूज के लिए भी मौजूद है कानून हमारे यहाँ हर जुर्म के लिए मौजूद हैं वो किस हद तक इम्प्लीमेंट होते हैं वो एक अलग बात है और बाज दफ़ा जो है मर्द अपना हक समझते हुए अपना ये जो है उनको लगता है कि हम कोई गलत काम नहीं कर रहे हैं कि अगर हम अपनी बीवी पे हाथ उठा रहे हैं तो वो इस तरह तक जो है रवैये पे पहुंच जाते हैं अब अगर ये पॉइंट आ गया और इतनी बात आगे बढ़ गई कि दोनों मियाँ बीवी में उनके रिश्ते में तलखी पैदा हो गई तो उसको किस तरह सुलझाया जा सकता है और किसी एक तरफ से तलाक तक की डिमांड आ गई अगेन हमारे माशरे में क्या मैरिज काउंसलर्स का कोई कॉन्सेप्ट है क्या मैरिज काउंसलिंग होती है क्या काउंसलर्स यहाँ पे मौजूद हैं चाहे आप स्टेट से बात करें शायद निजी शोबे में कुछ मौजूद हो सबसे पहले तो अगर जो है किसी भी एक रेगुलर ख़ानदान में ऐसी कोई बात आ जाए ऐसी नौबत आ जाए उसको छुपाया जाता है फलानों को नहीं बताना पड़ोसी को ना पता चले इसको ना पता चले उसको ना पता चले इस चीज़ को छु छुपाया जाता है कि अगर मियाँ बीवी में इस हद तक कोई तलाक़ तक की बात होना शुरू हो गई है तो मैरिज काउंसलिंग तो बहुत दूर की बात है क्योंकि वो घर से बाहर बात निकल जाएगी अच्छा आप अगर घर का मसला है तो फिर घर के लोग उसको बैठ के सुलझाएँ नहीं वहाँ पे भी हम ये देखते हैं कि अना का मसला मनाया जाता है ज़्यादातर ये होता है कि जो है बस लड़के वाले लड़की का साइड ले रहे हैं अगर वो हैं उनके साथ मौजूद लड़की वाले भी लड़की वाले अपने बेटी का साइड ले रहे हैं कोई घर के बड़े या बुज़ुर्ग बहुत कम खानदानों में इस तरह होता होगा कि वो मिल बैठ के जेनरली जिसकी गलती है वो पॉइंट आउट करें और उन दोनों को समझाने की कोशिश करें उनको काउंसिल करने की कोशिश करें लेकिन वो इस तरह की बात नहीं होती है अब अगर ऐसा कोई पॉइंट आ जाए कि उसमें जेनरली एक औरत फील कर रही है कि मैं बेबस हूँ ये भी अगर सपोजिंग करें कि वो कोई जॉब भी कर रही है लेकिन घर का खर्चा पूरा नहीं हो रहा उसका शौहर जो है वो नहीं पूरा कर पा रहा उनके घर के मसाइल बढ़ते जा रहे हैं बात करने पे मार मारपीट पे उतर रहे हैं किसी किस्म का को कोई रास्ता नहीं नज़र आया तो फिर सवाल ये उठता है कि औरत क्या करे और जब उस पॉइंट पे भी बाज़ दफा इस तरह होता है कि ऐसे संगीन हालात में भी जब औरतें डिमांड करती हैं कि उनको खुला चाहिए तो उनको फिर आखिर वक्त तक अगर कोई समझाने वाला हो तो वो यही समझाता है कि थोड़ा वक्त बर्दाश्त कर लो तुम्हारे बच्चे हैं बच्चों का सोच लो क्या करोगी दोबारा कौन तुमसे शादी करेगा ये एक और मसला आ जाता है ये जो एक तलाकशुदा औरत की दोबारा शादी उससे कैसे होगी अगर उसके लिए रिश्ते आएंगे तो वो एक ऐसे मर्द के आएंगे जिसकी अपनी तलाक हो चुकी है या उसकी बीवी का इंतकाल हो गया या वो एक बहुत बड़ी उम्र का शख्स है इतनी बहुत सारी कॉम्प्लिकेशनस हैं तो औरतें इसलिए भी कोशिश करती रहती हैं कि ये नौबत ना आए लेकिन आ गई अब वो नहीं बर्दाश्त कर सकती एक तरह से देखा जाए तो इस खबर से एक ये पॉजिटिव साइन हमें ये मिलता है कि औरतें जो है ये इस चीज़ का अदा कर रही हैं या एक तरह से इस चीज़ को प्रोजेक्ट कर रही हैं कि अब हम बर्दाश्त करना नहीं चाहते अगर हम इस पॉइंट पे आ गए तो हम क्यों बर्दाश्त करें हमें इस शख़्स से अलहदगी चाहिए जो किसी भी तरह मेरा या मेरे ख़ानदान या बच्चों की कफालत नहीं कर रहा वो मुझे कुछ प्रोवाइड नहीं कर रहा तो मैं उस शख्स के साथ ज़िंदगी क्यों गुजारूँ उससे बेहतर यह है कि मैं अलग हो के ख़ुद मुख्तार ज़िंदगी से इज़्ज़त से अपनी ज़िंदगी गुजारूँ तो एक तरह से देखा जाए तो ये साइन अच्छा है लेकिन हमें माशरे के तौर पर जो है वो कोशिश करनी चाहिए कि ये पॉइंट ना आए तो जब ये पॉइंट फिर आ गया और फिर उस वक्त आया और कोई भी तरीका साजगर साबित नहीं हुआ तो फिर जाके ये खुला आता है और फिर हमें ये सोचना पड़ता है कि हम आगे जाके इस तरह के प्रॉब्लम्स को कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं कि इस तरह के ख़ानदानों में जो है मसले ना हो और यहाँ पे कौन एक बड़ा किरदार अदा कर सकता है यहाँ पे मैं एक कुछ हद तक कहूंगी कि मीडिया भी रोल प्ले कर सकता है हम अपने लेकिन अगर ड्रामों में देखें तो हम स्टार प्लस के माहौल से बाहर ही नहीं निकल रहे हम जो है वही सास भी कभी बहू थी और घर घर की कहानी अपने ड्रामों में दिखा रहे हैं कि एक तरफ सास स्कीमिंग कर रही है एक तरफ बहू स्कीमिंग कर रही है वही आपकी घिसी पिटी जो है वो प्लॉट्स चल रहे हैं क्यों क्योंकि कहा जाता है कि ऑडियंस को यही पसंद है हमें रेटिंग इसी पे आती है तो आप एक तरह से इन तकियानूसी ख़्याल को री इन्फोर्स कर रहे हैं अगर आपकी नई नस्ल उससे बेहतर सोचना चाहती है लेकिन वो ड्रामों में देखती है तो वही चीज़ सब कॉन्शियस के में उसके जहन में बैठता जा रहा है कि घर ऐसे ही होते हैं यही रोल होते हैं नंद भावच का रिश्ता ऐसे ही होता है या सास बहू का रिश्ता ऐसे ही होता है हम अपने ड्रामों में भी कोई बेहतरी नहीं दिखा रहे हम ड्रामों में भी ऐसे प्लॉट्स नहीं दिखा रहे कि अगर ऐसा कोई मसला आ गया तो किस तरह उसको सुलझाया गया उसको रिजॉल्व किया गया तो हर तरह से हमें एक नेगेटिव को ट्रेयल है तो अब आखिर में वही बात निकलती है कि इसका हल क्या है इसका हल यही हो सकता है कि तालीम जो है वो उसका सिलसिला जारी रहना चाहिए ख़ासतौर पर ख़ौन के लिए ताकि ख़वान ऐसे मसाइल को अपने तौर पर जो है हल करने की काबिलियत रखें खुद मुख्तार हो अगर ज़रूरत पड़ने पर वो अपनी ज़िंदगी खुद गुजार सकें उनके ऊपर किसी की डिपेंडेंसी ना हो वो ये ना हर वक्त देखती रहें कि मेरा ख्याल कौन रखेगा ना मे मेरा, मेरा भाई नहीं है मेरा बाप मर गया है मेरे शोहर ने मुझे छोड़ दिया है वो उनको इतनी मुख्तारी होनी चाहिए जो आगे जाके आपकी फिर ये नस्ल बड़ी होती है तो उनके पास भी ये तालीम याफ़्तर तरीके से उनको मसाइल का हल ढूंढने का शुरू होना चाहिए हमें इन कॉन्सेप्ट को अपने आप को ओपन करना चाहिए कि ऐसे कोई भी मसले हो उस पर बात करना ज़रूरी है बात करने के लिए उन बातों का बाहर निकलना ज़रूरी है उसको हमें चार दीवारी में छुपाने की ज़रूरत नहीं है हमें बज दफ़ा लोगों को या घर से बाहर लोगों को इन्वॉल्व करने की कोशिश करनी चाहिए ताकि हम पूरी कोशिश करके मसले को हल करें ये हम जो है इस चीज़ का दर्श ना दें कि बर्दाश्त करो बर्दाश्त करना हल नहीं होता हमें उस पॉइंट को प्रिवेंट करना चाहिए कि वो पॉइंट आता ही क्यों है कि मर्द ये सोचे कि मैं अगर काम नहीं भी करता तो जो है मेरी बीवी काम करेगी नहीं करेगी तो काम चलता रहेगा अगर वो कुछ बोलेगी तो मैं उसको डांट डपट मार मूर के उसको जो है दबा के मैं बिठा दूंगा तो ये इस सोच से हमें बाहर निकलना होगा और इसके लिए जो है हमें एक अवेयरनेस क्रिएट करनी होगी अपने हर तरफ से ताकि हम ये उम्मीद कर सकें कि आगे जाके इस तरह के केसेस ऐसे इतने ज़्यादा ना आए और कम हो और वो रिज़ोल्व हो सके। एंड नेक्स्ट टाइम खुदा हाफिज़